नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष के बात में आपका स्वागत है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम एक बार फिर बातचीत करना चाहते हैं प्रभु चावला जी से, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर और देश के जाने माने पत्रकार, सत्ता के गलियारों में जिनकी पैठ किसी से छुपी नहीं है और जिनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती जो शायद हिंदुस्तान में किसी पत्रकार के पास नहीं होगी। लिहाजा उनसे ये जानना, उनसे समझना मुनासिब होगा कि नरेंद्र मोदी की जो तीसरी का तीसरा मंत्रिमंडल है, 72 मंत्रियों की जो एक पूरी एक बारात है, उसका मतलब क्या है, उसके राजनीतिक समीकरण क्या है, उसके राजनीतिक मायने क्या है और इसमें किन किन चीजों का ख्याल रखा गया है। क्योंकि ये पहली सरकार है जो 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी किसी गठबंधन की सरकार को लेकर चल रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे तमाम ऐसे दलों के सदस्यों को कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री पद का दर्जा दिया गया है, जिनकी बैसाखी पर इनकी सरकार टिकी हुई है। ऐसा नहीं कि 2014 में या 2019 में दूसरे सहयोगी दल के लोग कैबिनेट में नहीं थे, लेकिन इस बार में और तब में फर्क यह है कि पहले बीजेपी के पास अपना बहुमत था, अब उनका अपना बहुमत नहीं है। तो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। ये जो 72 सदस्यों की जो मंत्रियों का गठन हुआ, मंत्रिमंडल बना है, इस पर आपकी फौरी प्रतिक्रिया क्या है, क्या नजरिया आपका? इसमें बड़ा स्पष्ट है, जैसे आपने बात कही कि ये भी पहले भी नहीं होते थे एनडीए के अंदर में, पर इस बार ये फर्क है कि मोदी खुद मान रहे हैं कि ये एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार नहीं है। आपने सुना, उन्होंने चुने गए थे जिस दिन नेता, वो कहते हैं एनडीए की सरकार है, शायद 19 बार नाम लिया था एनडीए का उन्होंने, कभी पहले नहीं लिया था। पहले भी एनडीए के अंदर लोग थे, इसके पहले वाली गवर्नमेंट में कुछ लोग थे, जैसे जेडीयू के लिए पार्टी के लोग, पासवान पार्टी के लोग थे, वो छोड़ के चले गए थे बाद में। तो मोदी जी के अनुसार ये संयुक्त सरकार है, अलायंस की सरकार है, जिसके मुखिया बीजेपी के नरेंद्र भाई मोदी हैं। जब कहते हैं कि अलायंस की सरकार है, तो इसलिए कह सकते हैं कि आप मोदी जी की ये पूरी छाप पहले मंत्रिमंडल में हुआ करती थी, चाहे वो फैसलों की हो चाहे किसी आउट बार की हो, वो थोड़ी कम दिखाई देगी। सत्ता के गलियारे जो आप बात उठा रहे हैं बार बार, उस सत्ता के गलियारों में अभी तक खाले पड़े हुए थे, अब थोड़े लोग दिखाई देने जड़ाएंगे उसके अंदर, कि उसके अंदर सबको किसी को आने नहीं दिया जाता उसके लियारे के अंदर, क्योंकि इतने संकड़े हो गए थे कि जो संकड़े बन जाते जिसके अंदर किसी और की गुंजाइश नहीं थी। तो थोड़ी सरकार खुलेगी, ये ओपन गवर्नमेंट होगी, थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी लोगों को ज़्यादा होगी, क्योंकि बाकी लोग जो हैं जनता से ज्वाइन कर रहे हैं, वो जनता से मिलने में ज़्यादा आतुर रहते हैं और दिल्ली में पहली बार आ रहे हैं कई मंत्री, उनको लगता है कि दिल्ली में आकर के दिल्ली के टीवी चैनलों से, दिल्ली के पत्रकारों से, दिल्ली की बड़ी रूटीन, दिल्ली के बड़े लोगों से मिलने का शौक उनको भी होगा, तो उस लालच में कुछ ना कुछ सरकारी गतिविधियों की खबरें लोगों को मिलती रहेंगी। और दूसरा मैं कह सकता हूँ कि अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, अभी तक वहाँ पर डिपार्टमेंट्स का एलोकेशन पोर्टफोलियो नहीं हुआ है। आप कितनी देर में दिखाएंगे ये शो पता नहीं है मेरे को, अगर लाइव है तो फिर ठीक है, ये तो एक दो घंटे के बाद इसके अंदर जो भी चर्चा करेंगे वो बड़ी एक किस्म से कहते हैं डेटेड हो जाती है जर्नलिज्म के अंदर, क्योंकि जो भी हम टिप्पणी करेंगे अभी डिपेंड करता है किस तरह के डिपार्टमेंट के लिए जाते हैं। अब सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, इसी चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि सोशल मीडिया का जो भी नैरेटिव था वो सच्चाई के ज़्यादा नज़दीक था बजाय मेनस्ट्रीम मीडिया के। मैं अभी भी देख रहा हूँ आज के दिन के अंदर भी सरकार जब बन गई है अलायंस की, सोशल मीडिया का नैरेटिव अभी भी बहुत डिफरेंट है चाहे मेनस्ट्रीम नैरेटिव। जब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, तो हमारा मीडिया कह जाता है मोदी 3.0, एनडीए 3.0 है ये एक्चुअली। तो देखा जाए अटल जी का एनडीए नंबर 1 था, नंबर 1998 और 99 में 2 था, तो ये एनडीए 3.0 एक्चुअली है जो मोदी जी के अनुसार है कि एनडीए की सरकार है, पर हमारा नैरेटिव यही है मीडिया का, नहीं ये 3 मोदी जी की बात है, तो इससे डिस्टॉर्शन काफ़ी हो जाते हैं। जब आप मोदी 3.0 कहेंगे तो उसका मतलब एनडीए नाम का ना शब्द उड़ जाता है और भारत इंप्रेशन ये जाएगा कि खाली मोदी जी की सरकार है। मोदी जी सरकार के प्रधानमंत्री हैं, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर भी हैं, सबसे बड़े वक्ता भी हैं, सबसे ज़्यादा सोचने वाले भी हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर भी हैं, परंतु ये केवल मोदी सरकार नहीं है, मोदी द्वारा नियुक्त की गई सरकार है। इसमें दो बड़े, बल्कि मैं ये कहूँ कि जो जिस 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 तरीके से करीने से
बड़े लोग बैठे हुए थे, उसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, गडकरी और शिवराज सिंह चौहान। ये एक स्पष्ट करता है कि दरअसल इस कैबिनेट के अंदर ये जो चार पांच लोग हैं दरअसल यही सरकार चलाएंगे। क्या इस कैबिनेट में आप उसी तरीके से अमित शाह का रोल देखेंगे जैसे 2019 के बाद था, या राजनाथ जी का भी उसी तरीके से रोल देखेंगे जैसे कि 2014 से उनका रोल बना हुआ चला आ रहा था, या उसमें कुछ आप बदलाव देखेंगे, कुछ उसमें कुछ नई चीजें आप देखेंगे? मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूं कि दरअसल किसको क्या कैबिनेट मिलता है कैबिनेट नहीं मिलता है। जी नहीं, मैं आपने जो कहा है ना उसमें कोई एडिशन क्या हुआ, सिर्फ शिवराज चौहान का हुआ कि नड्डा पहले मंत्रिमंडल में थे 2014 के अंदर, तो उसके अंतर्गत सिर्फ यही है कि शिवराज चौहान वापस आ गए हैं, सबसे रिकॉर्ड मार्जिन से जीत करके आए हैं, और इसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री की संख्या बहुत ज्यादा है, चाहे विभिन्न दलों को मिला लीजिए, पर बीजेपी अपने के पूर्व मुख्यमंत्री बहुत सारे हैं, राजनाथ जी को ले लीजिए, शिवराज जी को ले लीजिए, सोनोवाल को ले लीजिए, मनोहर खट्टर को ले लीजिए, तो ये सारे सारे पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी रहे, तो एक्सपीरियंस लोग जो हैं जिनको सरकार चलाने का अनुभव है, खट्टर साहब भी 9 साल के साथ चीफ से बन के आए हैं, सोनोवाल 5 साल के लिए रहे थे, शिवराज चौहान लगभग 20 वर्ष करके मुख्यमंत्री रह के आए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का इनपुट बड़ा है। पहले जो सरकार जी थी उसके अंदर बाहर के लोग प्रोफेशनल लाए गए थे, अभी भी तीनों को रिटेन किया है उन्होंने, जितने IAS और IFS ऑफिसर थे उनको रिटेन किया है, तो शिवराज चौहान जी वहाँ पर रहेंगे, उनका क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं और पहली रो में बैठे हुए थे, उनका नंबर एकदम बाद में आया था, हालांकि नड्डा साहब पहले बैठे थे, क्योंकि नड्डा साहब पूर्व अध्यक्ष हैं, इस नाते मैं प्रोटोकॉल वो देता हूँ पॉलिटिकल कि जिसके अंदर पूर्व अध्यक्ष पहले, सारे के सारे पूर्व अध्यक्ष थे, राजनाथ जी थे, गडकरी साहब थे, अमित शाह थे, ये सारे सारे नड्डा साहब थे, उसके बाद शिवराज चौहान थे, फिर उसके बाद बाकी लोग आते, तो पॉलिटिकल दृष्टि से शिवराज चौहान के आने से, क्योंकि जो ड्रॉप हुए हैं, जो इस सरकार के लगभग 20 मंत्री हार गए हैं, उनसे काफी बड़े बड़े मंत्री भी, मुंडा हार गए, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे वो हार गए उसके अंदर चुनाव, तो इस सरकार का परिवर्तन देखते हैं कि बीजेपी का पॉलिटिकल इनपुट बढ़ा है इसके अंदर, उसके अंदर नए लोग भी आए हैं, वो भी काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, कई MP कई बार आए, परंतु कई ऐसे भी लोग हैं जो हार गए उनको चुनाव में रख लिया, जो अभी सदस्य भी नहीं है वो भी रख लिया, वो एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस उनकी क्या है, मोदी जी का अगला खाका क्या है कि प्रदेशों को रिप्रेजेंट किया है या उन्होंने अपने लोगों को रिप्रेजेंट किया, कि कई बार होता था गुजरात से आपने लोग ज्यादा ले लिए, अब हरियाणा से 5 MP बनकर के आए, 3 मिनिस्टर बन के चले गए, इसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों के या पूर्व मंत्रियों के बेटे भी बहुत सारे हैं जिनके पहले पिताजी केंद्रीय मंडल से, अब बेटे भी आ गए हैं, तो ये किस तरह से लिया गया है, इसके पीछे कोई एक सोच समझ मेरे को नहीं दिखाई देती, हालांकि प्रचार किया जा रहा है कि इतने शेड्यूल कास्ट हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं, वो हर बार होता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, परंतु अगर देखिए कोई रीजनल रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, हर जगह शेड्यूल कास्ट हैं, हर जगह दलित हैं, हर जगह आपको दिखाएंगे बाकी लोग आते हैं, जिस प्रदेश के अंदर 20 MP चटके आए हैं उड़ीसा में, वहाँ से कितने लिख लिए, तो वहाँ से एक IAS ऑफिसर देवेंद्र प्रधान को आपने केंद्रीय मंत्री बना दिया, वो मान लीजिए भी चुन करके डायरेक्ट पहली बार लोकसभा चुन करके वहाँ से आए हैं, तो मेरे को लगता है कि इस कैबिनेट के अंदर जो बीजेपी का इनपुट है वो किसी एक विचारधारा या एक प्लानिंग के अनुसार नहीं है, अपनी मर्जी से, जैसे मध्य प्रदेश पिछली बार केवल एक ही मुख्यमंत्री था, इस बार 3 हो गए कैबिनेट मंत्री, ये महिला को भी ले लिया वहाँ से दलित वर्ग की, तो महाराष्ट्र से ज्यादा है और बिहार से सबसे ज्यादा है, क्योंकि 2 लोग वहाँ के अपना JDU है और अपने बीजेपी के 4 लोग हैं, तो कास्ट वाइज देखा जाए कोई बड़ा ब्राह्मण नेता इसके दिखाई नहीं था, यूपी के अंदर ब्राह्मणों की वजह से और ठाकुरों की वजह से जितनी हार हो रही है, तो कोई बड़ा ठाकुर नेता उसके अंदर है ही नहीं राजनाथ जी के अलावा, तो ब्राह्मण वैसे ही कोई नहीं दिखाई देता, अगर आपके जितिन प्रसाद ब्राह्मण है ठीक है, वो ब्राह्मण उनके पिताजी जो जितेंद्र प्रसाद ब्राह्मण जरूर थे, उनकी माँ राजपूत है, तो कोई मेरे को समझ नहीं आता है, पत्रकार कोई भी करते रहता है एनालिसिस, मैं उस चीज़ों में नहीं पढ़ता कि ब्राह्मण राजपूत, मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी को जो पसंद आया जैसा उनका इनपुट था उसके अंदर उन लोगों को चुना, ये जितने भी लोग चुने गए हैं मंत्रिमंडल के अंदर मोदी जी की डायरेक्ट छाप है, इसके अंदर कोई और लगता नहीं है किसी से, जैसे बिट्टू को ले लिया आपने पंजाब से चुनाव हार गया, वहाँ आपने बाकी कांग्रेसी भी सारे ज्वाइन कराए, सुनील जाखड़ आए, बाकी काफ़ी सारे लोग आए, उनमें से नहीं लिया किसी को, वहाँ पर अपने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बैठे हुए हैं जहाँ पर अभी इस वक्त, उनका IPS ऑफिसर पुराने हैं, उनको ले सकते थे आप, वो भी लालपुरा वो भी बड़े पॉपुलर हैं वहाँ पर, तो कोई मेरिट, बिट्टू अभी यंग हैं ठीक है, पुराने चीफ मिनिस्टर हैं उनके पोते या पुत्र हैं, पर हारने के बाद अगर आपने जैसे क्रिश्चियन ले लिया, अब बार बार आता है हमने क्रिश्चियन का अगला से ले लिया, आपने कुरियन साहब को ले लिया, एक बार एक्सपेरिमेंट पहले ही मोदी जी ने किया था, आपको याद हो IAS ऑफिसर रिटायर हुए थे अल्फोंस, याद है KG अल्फोंस,
वो भी क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन आउटरीच बड़ा अल्लाह मचा था, हम लोगों ने प्रचार किया था अल्लाह, क्या हुआ 6-8 महीने बाद निकाल, उनका नाम ही नहीं लेता अभी बीजेपी, उनको चुनाव भी नहीं लड़ा है। तो ये सब जो है सिंबॉलिक होता है, जैसे गणेशन हार गए उनको फिर आपने मंत्री बना दिया, तो कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई पुंदेश्वरी बनी बन के वहां से आंध्र प्रदेश से जीत करके आई है, कोई बड़ा रोल उनको मिल सकता था। पर ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें क्या देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने अपनी मर्जी से सरकार बनाई है, पॉलिटिकल इनपुट कैबिनेट लेवल पे थोड़ा ज्यादा है, मिनिस्टर स्टेट लेवल पे कई नए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, अब डिपेंड करता है कि क्या किस तरह के उनको पोर्टफोलियो दिए जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, परंतु ये इसके अंदर एक्सपीरियंस है और नए लोग हैं कि 50% मंत्री आपके लगभग हार गया, ड्रॉप कर दिया आपने, तो 50% नए लाएंगे ही अपने आप, जब हार गए तो उसके बाद कंपल्शन गया नए लोग ही आएंगे, तो आप कहेंगे हमने नए मंत्रिमंडल शक्ल दे दिया, आप ही कंपल्शन है क्योंकि आप मंत्री आ जाए, जैसे जो जो अभी जीते हैं उनमें से कई 3 तीसरी बार बन रहे हैं, जब तीसरी बार बन रहे हैं तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि पुराने मंत्री एक बार आ गए जब तो मेरी मर्जी नहीं होगी मैं निकालूंगा। लेकिन हम लोग जर्नलिज्म में होता है एडिटर जो होते हैं 5 साल 4 साल 10 साल के बाद लगभग निकाल दिए जाते हैं या छोड़ जाते हैं, पॉलिटिकल इसमें पहली बार देखा है इस सरकार के अंदर जो 15 साल तक रहेंगे लोग, कुछ मंत्री जो 15 साल तक लगातार मंत्री रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू से अब तक नहीं हुआ अगर कोई। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बड़ी चर्चाएं चल रही अमित शाह जी को लेके कि जो एलाइज हैं उन्होंने सरकार के ऊपर बहुत दबाव डाला है, मतलब नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव डाला है, बीजेपी के ऊपर दबाव डाला कि भाई इनके इनका जो रोल एज ए होम मिनिस्टर है वो बहुत क्वेश्चनेबल है, और खासतौर पर विपक्ष और लोगों को ये डर भी है कि अगर वो फिर से गृहमंत्री बनते हैं तो फिर उसी तरीके से एजेंसीज का इस्तेमाल होगा। क्या आपको लगता है कि एलाइज के दबाव में अमित शाह जी का रोल थोड़ा कम होगा सरकार में? एलाइज के दबाव में, एलाइज में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनसे पर्सनल डील कर चुके हैं सरकार में रह करके सरकार से बाहर भी, तो अमित शाह उनके लिए कोई नई चीज नहीं है कि जब सरकार पहले थी जब बनी थी पार्टी अध्यक्ष भी थे तब भी ये दोनों लोग उनसे बात करते थे, बातचीत होती रहती थी, उनके पुराने वीडियो जब हम इंडिया टुडे में होते तब हम करते थे स्टोरी लिखते देन एंड नाउ, अब वो फैशन मीडिया में नहीं है कि इन्होंने पहले किसी के बारे में क्या कहा, एक वीडियो वो दिखाई है उसके बाद आपकी दिखाई है, तो लोगों को पता लगे कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि इस तरह से पॉलिटिकल कन्वीनियंस के ऊपर फ्लेक्स हो जाते हैं। सवाल यह है कि जो पिछले 10 दिनों के अंदर हुआ या सरकार इलेक्शन के आने के बाद हुआ उससे मेरे को लगता नहीं कि मोदी जी ने अमित शाह के रोल में किसी किस्म का बदलाव किया है। मंत्रिमंडल बनाने से पहले उनकी डिस्कशन हुई, हर मीटिंग में बैंड में सहमत थे, पर दिखाया कम गया। मैंने इस बार ये देखा है कि बाहर के जो मुख्यमंत्री आते थे पहले बाकी किसी मंत्रियों को नहीं मिलते थे, अब आज मैंने देखा सोशल मीडिया पे कई मुख्यमंत्रियों ने राजनाथ जी के घर जाकर मिले, उनसे गडकरी साहब से मिले, बाकी मुझे लोगों से मिले, उन्हें डाला, तो उससे एक आप कहते हैं कि बाकी को मिलने का शौक अभी लगता है उनको आ गया है, उनको भी लगता है कि पावर में कोई स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए गडकरी से भी मिल लीजिए, राजनाथ जी से भी मिल लीजिए, बाकी लोगों से भी मिल लीजिए, तो मेरे को लगता कि इतना उनके इतनी है और उनका काम उनकी लॉयल्टी मोदी के प्रति 100% है। तो अगर शाह होम मिनिस्टर भी नहीं रहे मंत्रिमंडल में है, जिस भी मंत्रिमंडल के पद पर होंगे उनका रोल वही होगा जो पहले था, क्योंकि बाकी मिनिस्टर भी जो काम करते थे कभी भी देखा होगा आपने, हरेक मिनिस्टर का काम मिनिस्टर करते थे, उनसे जुड़ी हुई सब समस्याओं का समाधान शाह जी के घर में होता था, सब उनको मिलने जाते थे। इस जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो एनडीए की सरकार थी, जो गठबंधन की सरकार थी, उसमें कई संकट मोचक थे और गठबंधन की सरकारों में इस तरीके की क्राइसिस आती रहती, कभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अभी देखिए अजीत पवार के कैंप से आ गए कि भाई हम कैबिनेट रैंक हमको नहीं मिला इसलिए हम जो नाराजगी जाहिर कर दी उन्होंने। इस सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार में वो संकट मोचक कौन होगा, जो जो रोल जॉर्ज फर्नांडिस निभाया करते थे वो रोल इस सरकार में कौन निभा सकता है? इस सरकार में मेरे को जो अभी लगता है कोई निभा सकता है, क्योंकि नड्डा अध्यक्ष रहे हैं, नड्डा पहले उनकी इमेज भी थोड़ी ये सॉफ्ट है वैसे भी बनते हैं, लगता है उनका रोल हो सकता है इस बात में, और शिवराज चौहान का भी रोल उसके अंदर हो सकता है जो कर सकते हैं इस बात को, और राजनाथ जी भी करते हैं, पर राजनाथ इतने सीनियर हैं कि शायद वो काम फुट नहीं उनके जिम्मे नहीं हुआ, कि एकदम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, उनकी स्थिति वही है जो किसी जमाने में अडवाणी जी की हुआ करती थी, अडवाणी जी के पास पावर ज्यादा, क्योंकि अटल जी अपने लेट बैक सिचुएशन में होते थे, जब भी उनके पास जाओ वो कहते हैं अडवाणी से बात कर लो, अडवाणी सरकार के अंदर बड़ा इनपुट था उनका और पार्टी के अंदर भी उनका बड़ा था, तो पार्टी के तहत जो अमित शाह जी आज करते हैं सरकार में सब कुछ वही है और पार्टी में भी सारी इशू वही करते हैं, तो
उनके काम करने का तरीका, उनका तरीका, संगठन का तरीका, उनका एक काम है जिसको आप कह नहीं सकते बदल, क्योंकि उन्होंने सक्सेस दिलवाई थी। इसलिए सरकार बन के आई है, चाहे सीटें कम हुई हैं, उसके बावजूद भी अमित शाह की वजह से ही उन्होंने जो संगठन खड़ा किया था, लोग कैसे थे उन्हीं के पास जाता है, परंतु उनकी वजह से सरकार की सीटें कम हुई, ये भी उनको क्या बारे में कहा जा सकता है। तो अमित शाह की जगह जो आप बात कर रहे हैं, कोई तीसरा आदमी जरूर होगा, कि अमित शाह की मेंटेलिटी उससे की प्रगति नहीं है कि एलाइज के साथ भी बात ज्यादा तरीके से कर सके, और एलाइज को भी कई बार डर लगता है कि वो ना कर देंगे एकदम, अमित शाह जो कहते हैं हम बोल देते हैं, इसलिए उनसे पॉलिटिकल, उनसे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं उसके हिसाब से उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरे को लगता है शिवराज चौहान भी कर सकते हैं, पर मेरे को लगता है नड्डा साहब को रोल ये, कि जोशी जी है पार्लियामेंट के, प्रमोद महाजन थे, सुषमा स्वराज भी थी उस जमाने के पार्लियामेंट्री अफेयर, चाहे कांग्रेस उठा कर दे दीजिए आप, किशन नान जी से लेकर से बात जितने भी हुए हैं, वो लोग मिलते रहते थे एक से। अभी पीयूष गोयल लीडर ऑफ द अपोजिशन है, पर जब से 10 साल के अंदर एक परंपरा ऐसी थी कि एक व्यक्ति के माध्यम से सब कुछ होता था, तो अब थोड़ा बदलेगा तो उसके अंदर पीयूष गोयल जैसे बहुत जूनियर आदमी को आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस बना दिया वहाँ राज्यसभा में, तो कम्युनिकेशन वैसे ही वीक हो गया, उससे बहुत सीनियर लोग राज्यसभा के अंदर बैठे हुए। तो वो आप जो कह रहे हैं मेल जोल करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए कोई एक्सपीरियंस मैच्योर आदमी चाहिए होगा पार्टी को, जिसकी रेस्पेक्ट ऑपोजिशन वाले भी करते हों, इसमें शिवराज चौहान नड्डा भी आ जाते हैं फिर, तो मेरे को लगता है इनके अलावा कोई और मेरे को नजर नहीं। जोशी जी को बना दिया, वो जोशी बात ही नहीं करते, पत्रकार से नहीं बात करते, पार्लियामेंट फिर से काम होता है सबसे ज्यादा मिलना, सबके साथ बैठ के जाना, सेंट्रल हॉल में गप मारता बैठ कर क्या, वो सब नहीं, उनकी आदत नहीं है, कर्नाटक से आते हैं इसलिए वो कल पार्लियामेंट्री अफेयर की जो बात है उनके अंदर वो बात है नहीं। तो मेरे को लगता है कि एक कोई नया व्यक्ति पार्टी की तरफ से होगा जो बाकी लोगों से डील करेगा। अब कन्वीनर बनेगा एनडीए का पहले, वो कौन बनेगा? बट क्या आपको लगता है कि कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी या कोई कन्वीनर बनेगा? क्योंकि अभी तक उसका ना कोई ऐलान हुआ है, ना ही कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है। जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में बहुत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी था, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी थी, एक कन्वीनर भी थे, और मंत्रियों के मंत्रिमंडल के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी था, वो इस बार दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या आपको लगता है कोऑर्डिनेशन का फॉर्मूला तो वही है 1:4 का, प्रवीण पटेल ले लीजिए, सीनियर मिनिस्टर थे और कैबिनेट मिनिस्टर रहे 10 साल रहे कम से कम, उसके बाद उनको MOS बनाना है क्या? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जैसे मेरे कैबिनेट मिनिस्टर MOS भी बने, जैसे सबसे पहले वो थे यादव थे एक बिहार से, वो कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद MOS बने, और अपने जितेंद्र सिंह जी MOS इंडिपेंडेंट चार्ज भी हैं, फिर MOS भी हैं, ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हैं। परंतु मेरे को लगता है कि अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा और कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगी, बड़ी जल्दी सरकार में ट्रबल हो जाएगी, कि जैसे कि स्टेटमेंट आ रही है बाकी लोगों की, उसके ऊपर प्रॉब्लम होगा। मेरे को लगता है कि बनेगी कमेटी, जल्दी बनेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसकी मीटिंग भी होगी, कि पहले कोई मीटिंग इसी की होती थी, कि वर्क एक कोर ग्रुप होता था कभी इसी बहाने में BJP में, जो मंत्री अटल जी, अडवाणी जी, बाकी एक दो लोग होते जो बैठते थे हफ्ते में एक दिन बैठ के, ज्यादा दिन बैठ के तो डिस्कशन करते थे, वो कोर ग्रुप भी शायद बनेगा, उसके बिना ये सरकार ज्यादा तेजी से चलेगी नहीं। अगर नहीं बनाएंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, और मोदी जी इसको जानते हैं, और मेरे को लगता है जल्दी ही कोई ना कुछ होगा। अभी स्पीकर अटकी हुई है, स्पीकर कौन होगा सबसे बड़ी बात वो है, क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नायडू जी अड़े हुए हैं, स्पीकर हमारा होगा, जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा है कि पार्टियां टूटती रही हैं, बनती रही हैं, लोकसभा में क्या होता रहा है, तो उसकी वजह से लोगों के मन में भय है। तो भय को दूर करने के लिए ये हो सकता है कि स्पीकर का ऐसा होना चाहिए जिससे ये एक्सपेक्टेड हो कि वो इंडिपेंडेंट स्पीकर होगा, वो बिरला साहब नहीं होंगे। परिंदेश्वरी का नाम आ रहा है, जो चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है, सगी बहन है, और वो भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और काफी क्रेडिट उनको जाता है कि जो TDP के साथ उन्होंने गठबंधन BJP का कराया। कैन शी बी अ चॉइस? कुछ भी खबर सुनी थी यार, मुझे मालूम था कि आप यही बोलेंगे। मैं उनको जानता हूँ, चंद्रबाबू नायडू की साली है, ठीक है, पर कितनी बार उनके घर गई है पिछले 5 सालों में, आदर पता करनी है। तो इसलिए क्योंकि जब छोड़ के गए थे चंद्रबाबू नायडू, अपने सत्र से धोखा दिया था, पार्टी से निकल करके सरकार बना दी थी, पलट दी थी, तभी यही थी परिंदेश्वरी वहाँ पर, और BJP के साथ रही हैं। उनका आप क्रेडिट आप दे दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्रदेश ये निकाला गया कि किस तरीके से आप कई होता ना फीडबैक लेने के लिए एक नाम छोड़ देते हैं पार्टी पत्रकार, मैंने आजकल पढ़ देते हैं कुछ बॉल है नहीं मार्केट के अंदर, जो बॉल फेंकी पकड़ लो, हो सकता है मैजिक कर रहे हैं, आपको चलाए जा रहे हैं, देखो
चंद्रबाबू ने रिएक्ट नहीं किया, किसी ने रिएक्ट नहीं किया, बीजेपी ने कहा नहीं हम इनका नाम चला रहे हैं। तो ये जो इनफॉर्मल ब्रीफिंग जो होते हैं कई बार उसके ऊपर मैं विश्वास करता नहीं हूँ, बन भी सकती है, अगर बनेगी तो आप कहेंगे चंद्रबाबू नायडू की साइलिंग बन गई, अब जब शादी के लिए अपने जीजा जी की पार्टी को तोड़ने की बात है कि हो सकता है उनकी शर्म भी आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2014-2019 के बाद मैंने बिल्कुल गेस करना बंद कर दिया था कौन मंत्री बनेगा कौन मंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से मालूम था, सिर्फ एक ही आदमी को पता होता था उनका नाम है नरेंद्र मोदी, दूसरे किसी को पता नहीं होता था। लेकिन इस बार चूंकि कोएलिशन की गवर्नमेंट है, लगातार स्पीकर को लेके सवाल उठ रहे, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा। स्पीकर कौन बनेगा इसमें केवल एक आदमी को पता नहीं, कम से कम तीन आदमी को पता होगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन तीनों के अलावा शायद किसी को पता नहीं। हाँ, वो सहमति से बनेगा, मैं इसमें इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। अमित शाह जी होंगे जिनसे बात की जा सकती है, कंसल्टेशन हो सकता है। अब एक सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि जेपी नड्डा चूंकि अब कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं, उनका टर्म्स भी खत्म हो रहा है जून के महीने में, तो अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है? जिन लोगों के नाम चल रहे थे शिवराज सिंह चौहान वो कैबिनेट में आ गए, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में सोचा जा रहा था वो भी कैबिनेट के अंदर आ गए हैं, और भी कई लोग कैबिनेट के अंदर आ गए, तो आपको लगता है कि अगला जो अध्यक्ष होगा वो कौन हो सकता है, और क्या इस बार का जो अध्यक्ष होगा वो आरएसएस की सहमति से या उनके उनके प्रेशर में बनेगा? नहीं, वो हमेशा बीजेपी के अध्यक्ष हमेशा आरएसएस का कमिटेड वर्कर ही रहा है। अमित शाह जी भी आरएसएस में रहे, पर आरएसएस के फुल टाइम वर्कर नहीं रहे, जितने भी अध्यक्ष बने पीछे उठा कर ले लीजिए आप, तब से लेकर जितने भी आपने नाम लिए, धर्मेंद्र प्रधान बन सकते थे, भूपेंद्र यादव बन सकते हैं, जिनका नाम मीडिया में चल रहा था काफी, पर यंग लोग हैं बन सकते हैं, नड्डा जी बन गए तो उसके बाद कोई भी बन सकता है, नड्डा जी विद्यार्थी परिषद में रहे, संघ के प्रचारक रहे, तो मेरे मतलब ऐसा ही कोई व्यक्ति बनेगा मेरे नाम से, पहली बार मेरे दिमाग में आ रहा है जो पहले सोचता था कि कोई संघ का फुल टाइम वर्कर जो है प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनता नहीं है, कई साल से बना नहीं है, परंतु फिर याद आया कि खुशाभाऊ ठाकरे बने थे, खुशाभाऊ ठाकरे जो है वो प्रचारक थे फुल टाइम और अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बड़े संगठन मंत्री भी थे, उसके अध्यक्ष भी बने थे, उस तरह के कोई अनुभव हो सकता है, जैसे सुनील बंसल है, इसमें बहुत से सीनियर वहाँ पर आदमी ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी है, हालांकि सब बी एल संतोष भी हैं, पर सुनील बंसल के अंदर है, उनका नाम काफ़ी यूपी में उन्होंने काम किया है, इस बार वो काफ़ी सारा संगठन का काम वही देख रहे थे किस तरह से, तो सुनील बंसल का नाम हो सकता है मेरे लगता है, परंतु मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसको नाम मैंने पढ़े कि इनमें से कौन अध्यक्ष बन सकता है, ये पहली सरप्राइज होगी जिसके अंदर किसी को पता नहीं कौन बन सकता है, किसी को सीफर अभी तक मंत्रिमंडल बनाया, आप बना नहीं सकते किसी को, अब जब तक नहीं बनता मेरे को लगता है 15-10 दिन के अंदर जून के अंदर खत्म हो रही है, उनको एक्सटेंशन मिल नहीं सकता, तो कोई ना कोई बनेगा, पर आरएसएस का ही आदमी बनेगा इसमें कोई शक नहीं, बाहर से कोई आने वाला नहीं है बिल्कुल, बाहर जो बैठे हैं उन सीनियर लोगों में से कौन है मेरे को जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको एक्सेप्टेबिलिटी की जा सकती हो, पार्टी के संगठन के अंदर कोई नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष में देखता हूँ मैं किस तरह बड़ा अध्यक्ष कोई भी दिखाई नहीं देता, देवेंद्र फडणवीस हो सकता है बना सकते हैं अगर बड़ी बात चलते वहाँ पर जाकर के, क्योंकि ना वो बार बार कहते हैं सीधा दर पार्टी को मजबूत करना है, परंतु ये है कि एक ही प्रदेश से वहाँ पर आपने नागपुर के दो लोग हैं, एक मुख्यमंत्री एक मंत्री बन गए और दोनों ब्राह्मण हैं, तो ये भी एक किस्म से ब्राह्मण हो सकती है किस तरह की, पर नॉर्थ इंडिया से मेरे को लगता है कोई ना कोई बन सकता है, साउथ इंडिया से कृष्णामूर्ति बने थे, नायडू भी बने थे, साउथ इंडिया का अगर इनका साउथ रीच है, क्योंकि हारने के बाद साउथ में सीटें इनकी बढ़ी हैं नहीं, इनकी सीटें जितनी हारी हैं उतनी इन्होंने गेन किए हैं जाकर के आंध्रा में और तेलंगाना में और एक केरला से, तो जितनी कम हुई हैं कम नेट नेट दो कम हुई हैं, बड़ी नहीं हैं, परंतु प्रचार जे रहा है कि साउथ में हमने गेन किया है, पर साउथ से भी कोई प्रेसिडेंट हो सकता है मेरे दिमाग में अभी कोई दिमाग में आ नहीं रहा, तो दे सकते हैं कि गैस लगाना मुझे, पर ये पक्का है कि आरएस में जो आरएसएस में रहा है जिसने जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है पार्टी अध्यक्ष वही बनेगा। एक आखिरी सवाल, इस बार ये देखने में आया कि जब नतीजे आए उसके बाद मीटिंग्स हुई और इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा भी गया कि उसमें आरएसएस के लोग थे, जैसे आलोक कुमार जी का नाम आया जो सरकार उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं, यहाँ तक कि जब देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे की पेशकश की कि मैं डिप्टी सीएम से इस्तीफा देना चाहता हूँ, तब भी यह बात आई कि उनको 2-3 घंटे तक आरएसएस के लोगों ने बैठ के समझाया, तो क्या आपको लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच का कोऑर्डिनेशन और आरएसएस सरकार के बीच का कोऑर्डिनेशन अब थोड़ा बढ़ेगा? मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं आपको, आलोक कुमार जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, वो काम देखते हैं उसके अंदर, उनका जो बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं उनका नाम है अरुण कुमार। अच्छा, सॉरी, अरुण कुमार,
अरुण कुमार जो है ना, वो जेल में रहते थे, मैं भी वही रहता हूँ, यहाँ का बहुत जगह है, वो मैं उनको जानता हूँ, चेहरे बड़ी बड़ी मूछें हैं उनकी, चुप रहते हैं वो, बहुत बड़े चुप रहते हैं, अरुण कुमार अरुण कुमार जी हैं, वो देखते हैं, और पहले जितने भी रहे हैं जो भी कोऑर्डिनेट करते हैं, रामलाल जी करते हैं, रामलाल जी का संगठन मंत्री थे, उससे पहले अपने और भी लोग रहे हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो अरुण कुमार जी थे पिछले दिनों, बड़े एक्टिव थे उनके मनाने में, अरुण कुमार जी के अध्यक्ष जब बनेगा तो उनसे कंसल्टेशन होगी, ऊपर से मोहन भागवत जी से कि अध्यक्ष जब बनेगा तो ये पांच लोग जो हैं टॉप के, वो पांचों लोग उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है आरएसएस के अंदर, ये चार पांच लोग महीने में एक बार किसी ना किसी प्रदेश में मिलते हैं, वो एक साल पहले फिक्स हो जाता है इनकी मीटिंग, तो आप बोलते हैं कोर कमेटी, वहाँ पर बोलते हैं वो कोर कमेटी जो उनका है, वो हर साल साल में एक बार यहाँ दिल्ली में पिछले महीने मीटिंग थी, मतलब इस जून में नहीं मई में थी, और अब यहाँ पहले थे अरुण कुमार जी और मोहन भागवत, अब दिखाई इस हफ्ते दिखाई नहीं दी यहाँ पर, तो मेरे को लगता है आरएसएस और बीजेपी में कंसल्टेशन चल रही है, और वो दो चार दिन के अंदर नाम अनाउंस हो सकता है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, पर मैं फिर कहा कि संगठन में कौन लीड करेगा वो आरएसएस डिसाइड करेगा, उसके बाद छोड़ देंगे। प्रभु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच।